हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं द कंपनी सेक्रेटरीज ड्यूटीज। तो ऐसे कौन कौन से ड्यूटीज है जो कि कंपनी सेक्रेटरी फॉलो करता है, कौन कौन से ड्यूटीज को वो करता है, तो उसके बारे में हमारा ये लेक्चर होने वाला है। लेक्चर को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है ये बगल में जो आपको बेल आइकन का दिख रहा होगा बटन, इसको आपको सब्सक्राइब दबा देना है, और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर देना है ताकि किसी भी तरह का नोटिफिकेशन मिस ना हो जब भी मैं किसी वीडियो को डालूं। जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट के थ्रू करें। आप जब भी हमारे प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आए जो कि है कॉमर्स की पाठशाला, यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। इग्नू एम कॉम न्यू, एम कॉम ओल्ड, इग्नू बी कॉम न्यू में आपको जाना है, ठीक है। बी कॉम न्यू के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको देख करके, पढ़ करके, सुन करके आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं बीकॉम बीसीओसी 135 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो द ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी वैरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड द पर्सन क्वालिफिकेशन ऑफ द सेक्रेटरी, ठीक है। तो जो काम होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के वो वैरी करते हैं कंपनी टू कंपनी। जैसी कंपनी होगी वैसे काम हो सकता है उनको मिले, जैसा कंपनी का साइज होगा, जैसा कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होगा, जैसा उस कंपनी सेक्रेटरी का पर्सनल क्वालिफिकेशन होगा, उसके बेसिस पे जो है उनकी ड्यूटीज को निर्धारित किया जाता है। इन इंडिया इन प्राइवेट एंड इन जॉइंट सेक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द सेक्रेटरियल ड्यूटीज द कंपनी सेक्रेटरी इज नॉर्मली इंटरेस्टेड विद लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट फंक्शंस, है ना। हमारे इंडिया में चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर जॉइंट सेक्टर हो, जॉइंट मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हो रही है, इन सारे केसेस में जो सेक्रेटरियल ड्यूटीज होती हैं वो तो उनको परफॉर्म करनी ही पड़ती हैं। उसके अलावा कुछ और चीजें जो है उनको परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जैसे कि लीगल वर्क हो गया, लीगल ड्यूटी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी होगी, या फिर मैनेजमेंट फंक्शंस हो गए। ये सारी चीजें भी कंपनी सेक्रेटरी को करनी होती हैं। इन लार्ज साइज्ड कंपनीज देयर आर सेपरेट मैनेजर्स इन चार्ज ऑफ फंक्शंस रिलेटेड टू अकाउंट्स, लॉ, पर्सनल, ईटीसी, है ना। लार्ज कंपनीज में ऐसा देखा जाता है कि जो हर एक चीज का जो है अलग अलग मैनेजर होता है, जैसे कि अकाउंट्स का मैनेजर हो गया, लॉ का मैनेजर हो गया, है ना, पर्सनल मैनेजर हो गया, वो अलग चीजें होती हैं। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी जो होता है ना, इवन इन द केस ऑफ रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज द कोऑर्डिनेटर कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। इट कैन नॉट बी सेड द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट्स इन थ्री फोल्ड कैपेसिटी, नेमली एज एन एजेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एज अ पर्सन इन चार्ज ऑफ सेक्रेटरियल वर्क रिलेटिंग टू कंपनी एंड अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो एक तरीके से तीन तरह के रोल को जो है प्ले करता है एक कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी का तो काम करता ही है, साथ ही साथ वो एजेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में काम करता है, पर्सन इन चार्ज फॉर द सेक्रेटरियल वर्क, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और तीसरा है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी, है ना। तो बहुत सारे ड्यूटीज जो है कंपनी सेक्रेटरी को करने होते हैं। अब इनको समझ लेते हैं कि क्या क्या ड्यूटीज इनको करनी होती हैं, राइट। तो यहाँ पे हम इनकी ड्यूटीज को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक है स्टैट्यूटरी ड्यूटी और दूसरा है जनरल ड्यूटी। स्टैट्यूटरी ड्यूटी मतलब वो सारी ड्यूटीज जो कि स्टैट्यूटरी लीगली उनको करनी इंपॉर्टेंट है। जनरल ड्यूटी मतलब इन जनरल उनको जो कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटी के साथ। ये हमारा स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। पहला है, सबसे पहले जो ड्यूटी होती है वो होती है साइनिंग ऑफ एन एनी डॉक्यूमेंट और प्रोसीडिंग्स रिक्वायर्ड रिक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 21, है ना। तो किसी भी तरह का ऑथेंटिकेशन की अगर आवश्यकता पड़ती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो उसको ऑथेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर साइन कौन करता है? हमारा उसके ऊपर साइन करता है हमारा जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो, ठीक है। अंडर सेक्शन 21 के तहत उनको जो है किसी भी तरह की जो डॉक्यूमेंट होती है, प्रोसीडिंग्स होती है जिसमें ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको ऑथेंटिफाई करने का काम जो है वो कंपनी सेक्रेटरी करता है, राइट। फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न्स विद द रजिस्टर और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ईजी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एनुअल रिटर्न्स, एनुअल अकाउंट्स, ईटीसी, सेक्शन 39। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 यहाँ पे और भी बहुत सारे काम वो करता है, जैसे कि रिटर्न्स फाइल करना, राइट, अलॉटमेंट के जो रिटर्न्स होते हैं, एनुअल रिटर्न्स होते हैं, एनुअल अकाउंट्स के रिटर्न्स होते हैं, उन सारी चीजों को फाइलिंग करने का काम भी जो है वो कंपनी सेक्रेटरी का होता है। अब देखो कंपनी सेक्रेटरी खुद एक बहुत बड़ा पोस्ट है, अब ये मत सोचना कि कंपनी सेक्रेटरी बैठ करके इन सारे कामों को कर रहा है, उसके नीचे लोग होते हैं जो कि उनके साथ कामों को करते हैं, लेकिन आखिर में उन सबको चेक करके वेरीफाई करके उसको रिटर्न करने का काम एक तरीके से कंपनी सेक्रेटरी का होता है। थर्ड पॉइंट, गिविंग द नोटिस ऑफ द इंक्रीज इन शेयर कैपिटल टू द रजिस्ट्रार। अगर शेयर कैपिटल में किसी भी तरह का इंक्रीज किया जाएगा तो उस केस में जो नोटिस भेजने का काम है वो भी हमारा कंपनी सेक्रेटरी ही करेगा रजिस्ट्रार को,
ठीक है, डिलीवरिंग द शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट और विद इन 1 month ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट्स आते हैं जब आप किसी शेयर को सब्सक्राइब कर लेते हो, तो आपके पास 1.5 महीने में 2 महीने में जो है शेयर के सर्टिफिकेट आ जाते हैं। तो शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने का काम, डिलीवर करवाने का काम जो है वो हमारे कंपनी सेक्रेटरी का है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56(4). ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज, है ना, तो जो भी चार्जेस आपको पे करने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने का काम जो है वो कंपनी सेक्रेटरी का होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77। राइट, गेटिंग द नेम पेंटेड, गेटिंग द नेम पेंटेड आउटसाइड एवरी ऑफिस और द प्लेस और इट्स बिजनेसेस एंड टू गेट इट्स इनग्रेव्ड सील इफ एनी ऑफ द कंपनी, है ना। तो हर एक कंपनी का ऑफिस के बाहर में कंपनी का नाम प्रिंट करवाने का काम जो है कंपनी सेक्रेटरी का होता है। अब देखो काम होता है इसका मतलब ये खुद नहीं कर रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि खुद नहीं करता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है इन चीजों को करेगा। ठीक है ना, तो नाम इंग्रेव करवाने का काम, सील बनवाने का काम, राइट, ये सारी चीजें जो है उसका काम करने का काम जो है वो कंपनी सेक्रेटरी के पास होता है। टू मेक अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एंड फर्निश कॉपीज ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स, है ना। तो एक तरीके से इंस्पेक्शन के लिए जो अवेलेबिलिटी की आवश्यकता पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना, है ना, इंस्पेक्शन के लिए जो जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ कॉपीज को फर्निश करना रजिस्टर, जो जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है मतलब जो जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं आपके शेयर्स के, उसका जो रजिस्टर है उसको मेंटेन करके रखना, उसको दिखाना जब भी इंस्पेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। सो एक तरह से जब भी ऑडिट किया जाएगा तो यहाँ पे ऑडिट, यहाँ पे पता नहीं बोलना कितना सही होगा, इंस्पेक्शन में तो आप ऑडिट बोल सकते हो, तो इन सारे केसेस में जो है कंपनी सेक्रेटरी अपना रोल प्ले करता है। ठीक है ना, सेक्शन 94। सेंडिंग नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी के जितने भी सारे मेंबर्स होंगे सबको जनरल मीटिंग के लिए न्योता भेजना, नोटिस भेजने का काम जो है वो भी हमारा कंपनी सेक्रेटरी करता है। फाइलिंग ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट एंड रिजोल्यूशन विद द रजिस्ट्रार, अब जो रजिस्ट्रार हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो हो गया, उसके साथ किसी भी तरह की एग्रीमेंट हो रही है, रिजोल्यूशन हो रही है, तो उसको लेकर के जो फाइलिंग का काम है, उसको फिलअप करने का काम जो है फॉर्म्स को, डॉक्यूमेंट्स को, वो करने का काम जो है वो भी कंपनी सेक्रेटरी का होता है अकॉर्डिंग टू 117। Keeping minutes of the proceedings of general meetings and the board of directors and other meetings, है ना? तो जब जब भी board of directors की meeting होती है, तो उस meeting में जो जो चीजें हुई हैं, जो भी उनका agenda था, जो भी उनका minutes था, minutes मतलब आप समझ रहे हो, जो भी proceedings हुई हैं, उसको record करने को minutes बोलते हैं, right? तो हर एक चीज को record करने का काम जो है, जो भी board of directors की meeting का proceedings होगी या फिर general meeting की proceedings होगी, उन सबको record करने का काम जो है company secretary करता है। ठीक है, टू मेक अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सनल एंड देयर शेयर होल्डिंग, तो इन सारे लोगों की जब भी इंस्पेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस टाइम पे जो जो हमारा कंपनी सेक्रेटरी है वो वहां पे अवेलेबल रहेगा और उन लोगों की हेल्प करेगा, मदद करेगा इन सारी चीजों को करने में। ठीक है, 11वां नंबर पॉइंट। 12वां नंबर पॉइंट है मेंटेनिंग द वेरियस रजिस्टर्स एंड स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के जितने भी सारे रजिस्टर्स होते हैं या फिर स्टैट्यूटरी बुक्स होते हैं, उन सबको मैनेज करने का काम, उन सबको एक तरीके से मेंटेन करने का काम जो है वो भी कंपनी सेक्रेटरी का होता है। ठीक है, द सेक्रेटरी शैल हैव बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एज एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट इफ देर इज एनी डिफॉल्टिंग डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू ड्यूटीज, तो उसकी जो भी ड्यूटीज हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्ट्स हैं उसमें जितने भी सारे प्रोविजंस हुए, अगर वो उन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता, कॉम्प्लाई नहीं करता, तो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा उसकी एक्ट के लिए, और अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एक्ट उसको जो है सजा भी मिल सकती है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 सेक्रेटरी अमंग अदर्स हैज बीन डिफाइंड एज एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उनको जो है इन डिफॉल्ट एक ऑफिसर का तमगा, एक ऑफिसर की जो पोस्ट जो उनको मिल जाती है कंपनी सेक्रेटरी को। ठीक है, ड्यूटीज अंडर अदर्स एक्ट ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये अननेसेसरी हो जाएगा, पर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। जनरल ड्यूटीज के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जनरल ड्यूटीज हैं जो कि वो फॉलो करता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। सो जनरल ड्यूटीज जी, तो सबसे पहला है टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी ऑर्डर्स होंगे उनको कैरी आउट करना, उनको पूरा करने का काम जो है कंपनी सेक्रेटरी का है। टू असिस्ट द बोर्ड ऑफ बोर्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी को तैयार करने में जो हेल्प की आवश्यकता पड़ती है वो हेल्प जो है हमारा कंपनी सेक्रेटरी प्रोवाइड करता है, हेल्प असिस्टेंट बोर्ड का असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है नॉट टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, किसी भी तरह का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से डिस्क्लोज नहीं करना, जो भी कंपनी के अफेयर्स होते हैं उससे किसी भी तरह का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करने का काम जो है कंपनी सेक्रेटरी का होता है, वो नहीं करता है जनरली, बट फिर भी यहाँ पे लिखा गया है। Not to make any secret profit on account of this position, है ना? किसी भी तरह का secret profit create नहीं करना है, अपने position का फायदा उठाकर किसी भी तरह का secret profit जो है उसको create नहीं करना है, नहीं लेना है, ये उसकी general duty होती है।
पांचवा ड्यूटी होती है टू एक्ट एज ए मीडियम एंड लिंक बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर। तो कंपनी और आउटसाइडर के बीच में एक तरीके से लिंक का काम करता है हमारा कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को किसी भी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है तो उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम जो है वो कंपनी सेक्रेटरी का होता है। सातवां पॉइंट है टू ऑर्गेनाइज सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द ऑफिस वर्क। तो ऑफिस में जितने भी सारे वर्क होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम, उनको सुपरवाइज करने का काम और उनको कोऑर्डिनेट करने का काम, एक तरीके से मैनेजर के रूप में काम करता है हमारा कंपनी सेक्रेटरी, है ना। तो इन सारी चीजों के लिए ऑफिस के जितने भी सारी चीजें हैं, ऑर्गेनाइज करना, सुपरवाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सारे के सारे कामों को जो है हमारा कंपनी सेक्रेटरी करता है। सो दीज आर हिज ड्यूटीज। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा उसकी ड्यूटीज हैं। तो आई विश ऑल द बेस्ट जो भी कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, जो सोच रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी बनना। ड्यूटीज तो है लेकिन हाँ सैलरी भी अच्छी मिलती है, राइट। तो ये हमारी ड्यूटीज थी कंपनी सेक्रेटरी की। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।